आप नॉर्दर्न यूरोप के अंदर जाएं तो लोग, आम लोग अपने काम के साइकिल पे ही जाते हैं, जो कारों वाले हैं वो भी साइकिल पे जाते हैं, और ये अमेरिका में भी शुरू हो गया है, कनाडा में भी शुरू हो गया है, और हमें ये इनकरेज करना चाहिए। ये भी माना गया है कि अगले 10 साल या 15 साल के अंदर कम से कम 50-65% काम ऐसे होंगे जो आज एग्जिस्ट नहीं करते। उनके लिए ऐसी बढ़िया अपॉर्चुनिटी है जो आज से पहले किसी पीढ़ी में, भारतवर्ष में किसी पीढ़ी को नहीं मिली, क्योंकि एंटायर वर्ल्ड इज ओपन, एंटायर वर्ल्ड इज योर ऑयस्टर टुडे। हीरो का नाम किसने नहीं सुना है, सबको वो विज्ञापन तो जरूर याद होगा, देश की धड़कन वाला। हीरो एंटरप्राइज के चेयरमैन सुनील कांत मुंजाल आज हमारे साथ बात कर रहे हैं, और आपको ये बताते हुए मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि उन्होंने पहले एक अंग्रेजी में किताब लिखी, मेकिंग ऑफ हीरो, लेकिन उनको जाहिर है कि हिंदी से, और कहिए भारत से, इंडिया के बजाय भारत से प्रेम है, तो उन्होंने ये किताब हिंदी में भी अनुवाद करके प्रकाशित की है, चार भाइयों की कहानी, एक औद्योगिक चमत्कार। मुंजाल साहब, आपने हमारे लिए वक्त निकाला, आपका बहुत शुक्रिया। सबसे पहला सवाल तो मेरा यही है कि इस किताब का फोकस क्या है? ये जो किताब, आपने सही कहा कि पहले ये किताब लिखी गई अंग्रेजी में, और ये देखा गया कि जो हमारी ऑडियंस है, जो भारतवर्ष की ऑडियंस है, वो अंग्रेजी बोलने और सुनने वाले लोग ज़रूर हैं, लेकिन जो ज़्यादा बड़ी ऑडियंस है वो हमारी हिंदी की ऑडियंस है। तो ये किताब को अभी ट्रांसलेट किया गया है, इसका जो अनुवाद आया है ये अभी पब्लिश हुआ है हिंदी में। तो ये एक परिवार की कहानी है, ये एक कंपनी की कहानी है, ये भारतवर्ष की इकोनॉमिक डेवलपमेंट की कहानी है, और ये उसी समय में जैसे ये स्टोरी चल रही है उसके साथ साथ चलते हुए ग्लोबल इवेंट्स की भी कहानी है, और ये शुरू होती है 1920 के दशक से, एग्जैक्टली 100 साल पहले, जी 100 साल पहले पूरे जी, जब मेरे पिताजी और उनके भाई जो थे वो उस जगह में रहते थे जो ओवरनाइट फॉरेन कंट्री बन गया। जब पार्टीशन हुआ तो किसी को यह तो मालूम नहीं था कि हम फॉरेन कंट्री में हैं, लेकिन किसी ने आकर लाइन लगाई तो यह फॉरेन कंट्री बन गई। तो लाइक मिलियंस, वो भी अपना घर छोड़ करके, सब काम सामान सब छोड़ करके, बाकी लाखों रेफ्यूजीज जैसे, वो भी इस तरफ आए। तो ये कहानी उस चीज के बारे में है कि जिंदगी में कई तरह की दिक्कत आती हैं, उनको फेस करके कैसे काम चलाया जाए और कैसे चलाया गया, उसका एक रिकॉर्डेड हिस्ट्री भी है और इसमें कई तरह के ऑब्वियसली लर्निंग्स भी हैं। बिल्कुल, देखिए आपने जब कहानी जहां से शुरू की है तब एक बहुत बड़ी ह्यूमन ट्रेजेडी और एक डिसरप्शन से निकल करके आपके परिवार की कहानी शुरू हुई, और आज हम सब लोग फिर एक अभूतपूर्व ट्रेजेडी से और कैटास्ट्रोफ से गुजर रहे हैं, यानी पिछले पूरे फॉर्मूले आगे कैसे चलना है ये काम नहीं आने वाले। एज अ बिग बिजनेस लीडर ऑफ इंडिया, आपसे मैं सबसे पहले यही समझना चाहूं कि ये पैंडेमिक के बाद की आपकी लर्निंग क्या है, आपके थॉट्स इस वक्त कौन से कोर एरिया में बिजी रहते हैं, आप सोचते क्या है? सो पैंडेमिक एक ऐसा क्राइसिस क्रिएट हुआ जो कि रीसेंट लिविंग हिस्ट्री में किसी ने नहीं देखा। इसको हम कंपेयर करते हैं वर्ल्ड वॉर से, और जब पुराने मोर देन अ सेंचुरी अगो जब प्लेग आई थी, इस तरह के कई बड़ी बड़ी जो ट्रेजेडी क्राइसिस आए उसके साथ कंपेयर कर रहे हैं। तो इसके जो लर्निंग है, और आपने सही कहा कि हर क्राइसिस के अंदर लर्निंग जरूर होती है, और हमें क्राइसिस को वेस्ट नहीं करना चाहिए, हमें सीखना जरूर चाहिए, हमें इम्प्रूवमेंट जरूर करनी चाहिए। इस क्राइसिस में देखा गया है कि हम अगर सोचें, जो हम प्लानिंग करते हैं, हमारी प्लानिंग के अंदर हमारे पास ऑप्शन जरूर होनी चाहिए, जबकि हमारे आसपास की एनवायरनमेंट बदल जाए, सिचुएशन बदल जाए, तो हम कैसे रिएक्ट करेंगे, कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे। एक तो ये बहुत जरूरी एक लेसन है। दूसरा है, ह्यूमन रिलेशन की जो वैल्यू है वो लोगों में बढ़ गई है, क्योंकि हम इतना ज्यादा, जिसको हम प्रोग्रेस कह रहे थे, हम प्रोग्रेस करते करते हम लोगों से दूर हो गए। बहुत ज्यादा दुनिया का जो अटेंशन है वो मटेरियल गुड्स,
इकोनॉमिक प्रोग्रेस के ऊपर चला गया, जो पीपल टू पीपल कनेक्शन है वो थोड़ा कम हो रहा था। ये इस समय हालांकि हम लोगों को मिले नहीं, लेकिन हमारा कनेक्शन बढ़ गया। और तीसरी जो चीज़ है कि टेक्नोलॉजी हमारा एक बहुत बड़ा इनेबलर है। टेक्नोलॉजी हमारे हर पहलू में, हमारी जिंदगी के हर पहलू में और हमारे काम के हर पहलू में काम आ सकता है। तो ये ज़रूरी है कि हम अपने बिजनेस को, हमारी प्लान्स को एक बार दोबारा नए तौर से देखें कि हम कैसे नया एफिशिएंसी मॉडल बना सकते हैं और कैसे हम एक कम्प्लीटली नया कॉस्ट मॉडल बना सकते हैं। ये तो बिजनेस की लर्निंग्स हैं, लेकिन इसमें ह्यूमैनिटी के लिए कई तरह की लर्निंग्स भी है। बिल्कुल, ये जो आपने कहा कॉस्ट और एफिशिएंसी वाली बात, आप एक तरीके से ओल्ड इकोनॉमी के प्रोडक्ट हैं, लेकिन न्यू इकोनॉमी भी आपका मन बहुत लगता है। नायका में आपके इन्वेस्टमेंट के बारे में हम लोगों को जानकारी है, तो आपने कैसे उसको पिक किया, एक तो मैं ये जानना चाहूंगा, और दूसरा मैं ये भी जानना चाहूंगा कि हिंदुस्तान की कंपनियों का टेक्नोलॉजी को एडॉप्ट करने के मामले में एक तरह की स्लोनेस मैं नोटिस करता हूं। बिल्कुल सही कहा, दोनों चीज। एक तो हमारे इन्वेस्टमेंट ऑफिस, हमारा जो फैमिली ऑफिस है उसको हम इन्वेस्टमेंट ऑफिस बुलाते हैं, उसमें हम कॉन्स्टेंटली ढूंढते हैं किस तरह के एंटरप्रेन्योर्स हैं, किस तरह के फाउंडर्स हैं जिनके पास आइडिया भी अच्छा है, पैशन भी है, और कोई उनमें, उनके मन में कोई ऐसी चीज है जो प्रोडक्ट और सर्विस जो कि एक फेल्ट नीड को मीट कर सकती है, उनको हम सपोर्ट करते हैं। फाइनेंशियली सपोर्ट भी करते हैं, आइडियाज के साथ सपोर्ट भी करते हैं, नोहाव के साथ सपोर्ट करते हैं, और अपने कनेक्शन के साथ भी सपोर्ट करते हैं। तो हमने कई सारे किए। नायका आपने जैसे कहा एक कंपनी है, और बहुत अच्छी प्रोग्रेस की नायका ने, और मैच्योर प्रोफेशनल ने जो अपना काम छोड़ करके एक एंटरप्रेन्योर जो बनी, उसमें कई सारे फर्स्ट हैं उस एज के ऊपर, जेंडर के ऊपर, उस इंडस्ट्री के अंदर बड़े बड़े जायंट कंपनियों के साथ कंपटीशन में उन्होंने काम किया। तो बहुत बहुत सारे इस तरह के स्टार्टअप्स इस समय नजर आते हैं। तो हमारी ये सबको गाइडेंस एडवाइस यही रहती है कि आप डिसरप्शन कीजिए पुराने काम में। जैसे आपने कहा हमारी जो कंपनियां थी जो पुरानी इंडस्ट्री से आई हैं, उनके काम अगर ये खुद चेंज नहीं करेंगे तो नई कंपनी आके डिसरप्ट कर देंगी। टेक्नोलॉजी इतनी स्पीड से बदल रही है, इतनी स्पीड से बढ़ रही है कि उसको अडॉप्ट करना इस समय ज़रूरी है। और ये भी ज़रूरी है कि हम ना केवल नई नए तरीके से चीज़ें करें, लेकिन हम नई चीज़ें भी करें, दोनों चीज़ ज़रूरी हैं। और स्टार्टअप्स ने ये स्पिरिट हिंदुस्तान के अंदर, भारतवर्ष में के अंदर हमारे को ला करके दिखाई। पहले ये केवल नज़र आता था कैलिफोर्निया में, इज़राइल में, कैम्ब्रिज में, और ऐसे कुछ दुनिया में सेंटर बन गए थे। इस समय भारतवर्ष दुनिया का सेकंड फास्टेस्ट ग्रोइंग स्टार्टअप सेंटर है। सरकार में भी रिकग्निशन है और लोगों में भी रिकग्निशन है कि अगर हमने भारतवर्ष में जॉब्स क्रिएट करने हैं, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी और प्रोग्रेस करनी है, तो हमें नई इकोनॉमी और नए तरह के स्टार्टअप्स लाने ही पड़ेंगे, क्योंकि पुरानी एस्टैब्लिश्ड कंपनियों में जॉब क्रिएशन बहुत कम होती है। बल्कि उनकी कोशिश ये होती है कि हम ऑटोमेशन कैसे करें, एफिशिएंसी कैसे बढ़ाएं, जिसमें आम तौर पे जॉब्स कम हो जाते हैं। जो दूसरा मेरा सवाल था कि इंडियन कॉर्पोरेट्स जो बिग कंपनीज हैं, उनमें मैं देखता हूं कि एडॉप्शन को लेकर के थोड़ी स्लोनेस है, हालांकि पेंडेमिक ने उस प्रोसेस को थोड़ा एक्सेलरेट कर दिया, तेज कर दिया। ऐसा क्यों है? शायद इसलिए कि हम टेक्नोलॉजी नहीं समझते, तो ठीक है कुछ कर लेंगे, डिजिटाइजेशन कर लेते हैं थोड़ा सा। मुझे लगता है दो कारण है। एक कारण यह है कि हम अपने प्रोग्रेस में कंफर्टेबल हो गए थे, क्योंकि अगर आप सोचिए तो पिछले 30 सालों में बहुत प्रोग्रेस हुई यहाँ पर, और जो ग्रोथ हुई उसके साथ लोग इतना कंफर्टेबल हो गए थे कि जरूरत नहीं फील करते थे कि हमें कुछ और करने की जरूरत भी है। एक तो ये कारण था। दूसरा है कि हमारे यहाँ रिस्क अवर्जन बहुत है। अगर कोई फेल हो जाए, कोई इंडिविजुअल, कोई कंपनी, कोई कॉरपोरेशन, कोई इंस्टीट्यूशन, तो उनके ऊपर जिंदगी भर के लिए ब्लैक मार्क लग जाता है। अगर आपने स्टार्टअप कल्चर प्रमोट करना है, एनकरेज करना है, तो न केवल हमें फेलियर को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, हमें फेलियर को एम्ब्रेस करके सेलिब्रेट भी करना पड़ेगा। अगर आप कैलिफोर्निया में फॉर एग्जांपल, अगर आप दो बारी फेल हो चुके हैं तो लोग कहते हैं बहुत एक्सपीरियंस्ड प्रमोटर है, इसको जरूर फंडिंग कीजिए। बिल्कुल, कल्चरल एटीट्यूड सोसाइटी के अंदर भी थोड़ा हमें चेंज लाने की जरूरत है, क्योंकि हमें इस चीज की जरूरत है।
हमारे लिए बहुत फायदेमंद है। हाँ, और मैं तो ये होप करता हूँ कि ये जो पेंडेमिक का डिसरप्शन आया उसके बाद बड़ी कंपनियां इसमें और तेजी से काम करें। एक बात, आपने जॉब क्रिएशन का जिक्र किया, तो अब जो इकोनॉमी में स्ट्रक्चरल चेंजेस हैं खास करके पेंडेमिक के बाद, तो एक तरफ तो हम टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर रहे हैं और दूसरी तरफ हमको और जॉब क्रिएट करने हैं। इस वक्त इंडियन इकोनॉमी के बारे में अगर मैं आपसे आप समझना चाहूं कि क्या चैलेंजेस हैं और आपकी एक या दो चीजें वो क्या है जो आपको लगता है कि करना जरूरी है, जो आप सजेस्ट करते हैं अपने बाकी इकोसिस्टम में, अपने बाकी स्टेक होल्डर से जब आप बात करते हैं। जी, सबसे पहले मैं क्लैरिफाई करूं, जो आपका सवाल है उसमें कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। आम तौर पे यह माना जा रहा है कि अगर हम टेक्नोलॉजी की तरफ जा रहे हैं तो हम जॉब्स कम हो जाएंगे। बिल्कुल, टेक्नोलॉजी के की तरफ जाना इसलिए जरूरी है कि हमें ग्लोबली कंपेटिटिव होना है हर काम में, क्योंकि दुनिया जैसे खुल रही है, जैसे बिजनेस बढ़ रहा है, जैसे ट्रेड और इन्वेस्टमेंट बढ़ रहे हैं, तो हमें सारी दुनिया के साथ कंपीट करना है। अगर वो टेक्नोलॉजी यूज करें और हम नहीं करें तो हम पीछे रह जाएंगे, तो हमारे इन एनी केस जॉब क्रिएशन नहीं हो पाएगी, इनफैक्ट जॉबलेसनेस हो जाएगी। तो प्रोग्रेस करने के लिए, एफिशिएंसी लाने के लिए, प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए, क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए और इनोवेशन करने के लिए हमें टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना बहुत जरूरी है। हमें उसमें बल्कि बाकी लोगों से आगे बढ़ना है, क्योंकि आप देखिए दुनिया भर के अंदर हमारे लोग जाकर के बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनियों को लीड कर रहे हैं। आप गूगल जैसी कंपनी देखें, माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनी देखें, बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं। मैं आपको नाम सुना सकता हूं, 20-25 ऐसी हाई टेक्नोलॉजी कंपनीज हैं जहां पर लीडर जो हैं इधर द चीफ एग्जीक्यूटिव या लीडिंग टीम में हिंदुस्तानी लोग उसके अंदर भरे हुए हैं। तो कोई कारण नहीं है कि हम यहां पर अडॉप्ट नहीं कर सकते, लेकिन यह भी समझना जरूर होगा कि जैसे वो इंप्रूवमेंट होगी टेक्नोलॉजी से, प्रोस्पेरिटी बढ़ेगी, उससे भी जॉब्स बढ़ेंगे। आप जैसे मैन्युफैक्चरिंग की ही बात करते हैं, आप एक जब मैन्युफैक्चरिंग जॉब क्रिएट करते हैं तो उसके साथ 4 या 5 मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड सर्विसेज जॉब क्रिएट हो जाते हैं, चाहे वो सर्विस प्रोवाइडर है, लॉजिस्टिक्स प्रोवाइडर है, पैकेजिंग वाला है। इसी तरह हर हमें काम ऐसे करने हैं जहां मल्टीप्लायर ज्यादा है। ऑटोमोटिव इंडस्ट्री है, रियल एस्टेट इंडस्ट्री है, हेल्थ केयर इंडस्ट्री है, टेक्सटाइल है, बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जो पुरानी इंडस्ट्रीज भी हैं और उनको मॉडर्नाइज कर सकते हैं। दूसरा, हमारे पास जो अपॉर्चुनिटी है वो बिल्कुल नई इंडस्ट्रीज हैं, जो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री तो है ही, आईटी हार्डवेयर इंडस्ट्री एक बहुत बड़ी प्रोग्रेसिव इंडस्ट्री इस समय है, और सारी की सारी इंडस्ट्री के अंदर अगर हम नई टेक्नोलॉजिकल अप्रोच लें, क्लीन एनर्जी जैसे है बहुत बड़ी ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है, लॉजिस्टिक्स में बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। तो इसलिए हमें यह देखना है कि हम ओवरऑल साइज जो है बिजनेस का कैसे बढ़ा पाए, ना केवल कि एक ही स्लाइस को हम देखें, उसको अगर हम किसी और, ये भी होगा बाय द वे, आपने जो कहा वो बात सही भी है, कई ऐसे एरिया होंगे जब टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करने के साथ कुछ वहां पर जॉब कम होगी, तो हमारे को अपने लोगों को रीट्रेन करना होगा उन लोगों को नए काम में, क्योंकि नए काम बढ़ेंगे। ये भी माना गया है कि अगले 10 साल या 15 साल के अंदर कम से कम 50-65% काम ऐसे होंगे जो आज एग्जिस्ट नहीं करते, तो हमें अपने लोगों को नए काम में तो ट्रेनिंग करनी ही होगी। बिल्कुल, आपने ठीक कहा, ये एक्चुअली टेक्नोलॉजी से जॉब कम नहीं होने वाले, बढ़ेंगे, उनका नेचर बदल जाएगा। बिल्कुल सही है, आपने अभी कुछ ग्रोथ ट्रांजिशन के लिए हमें ट्रांजिशन के लिए तैयार होना है। मेंटली हमें ये इस सोच कर रेडी होना है कि ये शिफ्ट आने वाला है और हमारे को शिफ्ट करना है। बिल्कुल, अभी का जो एक ओवरऑल इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट है और आपने कुछ ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज का जिक्र भी किया, अगर हम इसको रिलेट करना चाहें कि इस वक्त के जो एस्पायरिंग यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं या जो पढ़ाई पूरी करके जॉब मार्केट में आएंगे या अपना काम शुरू करना चाहेंगे, ऐसे बहुत सारे लोग आपसे मिलते हैं, आप बहुत जगह तकरीरें भी करते हैं, तो इस वक्त आपकी उनको सलाह क्या है, हाउ टू स्पॉट एन अपॉर्चुनिटी? सो एक तो इस किताब के अंदर भी मैंने कुछ लिखा है इसके बारे में कि लाइफ के अंदर अगर आप अपना नजरिया ऐसा रखें कि योर आईज ईयर्स एंड माइंड आर ओपन, अगर आप देख सकते हैं कि कहां कहां अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो रही है, तो आपको दुनिया में कई तरह की अपॉर्चुनिटी मिलेंगी जो आम तौर पे हर आदमी उनको देखता नहीं है, हर समय हम ढूंढ भी नहीं रहे, लेकिन अगर माइंड ओपन हो तो नजर आता है। और तीन तरह के अपॉर्चुनिटीज इस समय है। एक, हमारी जो इकोनॉमी है कई मुल्कों से 5-10-15 साल पीछे चल रही है, कि उन्होंने पहले हमारे से 10 साल पहले क्या किया, एक तो वो हम चीज देख सकते हैं बाहर से, वी कैन लर्न, और हमारे को पूरा रास्ता निकालने की जरूरत नहीं है,
वी कैन जंप वन और टू स्टेजेस और सीधा हम वहां जा सकते हैं जहां वो आज है, क्योंकि हमें कंपीट आज करना है और सबसे करना है। दूसरा है कि जो हम काम एग्जिस्टिंग कर रहे हैं उसके अंदर बहुत बड़ी इंप्रूवमेंट टेक्नोलॉजी के साथ कैसे ला सकते हैं, एक वो अपॉर्चुनिटी है। और तीसरा है जो बिल्कुल नई अपॉर्चुनिटी आ रही है जो कि अभी एग्जिस्ट नहीं करती थी, जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, मशीन लर्निंग है, ये ऑल परवेसिव बन गई हैं कि एजुकेशन में भी अप्लाई होती हैं, हेल्थ केयर में भी अप्लाई होती हैं, मैन्युफैक्चरिंग में अप्लाई होती हैं, सर्विसेज में अप्लाई होती हैं, पेमेंट के अंदर अप्लाई होती हैं, इंश्योरेंस वाले यूज कर रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा एक ऐसा आप मानिए कि जैसे एक टेक्नोलॉजी की वेव आ रही है हमारे ऊपर, और अगर हम उसको समझ पाए तो बहुत बड़ी वेव हमारे पीछे रहेगी, हम आगे चल सकते हैं, और अगर हम नहीं समझे तो हम इसके नीचे दब जाएंगे और कुचल जाएंगे। जो आपका सवाल था कि जो यंग लोग हैं उनके लिए ऐसी बढ़िया अपॉर्चुनिटी है जो आज से पहले किसी पीढ़ी में, भारतवर्ष में किसी पीढ़ी को नहीं मिली, क्योंकि एंटायर वर्ल्ड इज ओपन, एंटायर वर्ल्ड इज योर ऑयस्टर टुडे, और आप कहीं भी पहुंच सकते हैं। टेक्नोलॉजी में तो कोई पॉलिटिकल बॉर्डर है नहीं, आप यहां बैठे काम अमेरिका में भी कर रहे हैं, यूरोप में भी कर रहे हैं, अफ्रीका में भी कर रहे हैं, और आप उन कंट्रीज में भी काम कर सकते हैं जहां इकोनॉमीज हमारे जैसी हैं, जैसी हमारी इकोनॉमी 10 साल पहले थी या जो हमारे से आगे हैं, उन सब के अंदर अपॉर्चुनिटीज हैं और आप सबका फायदा उठा सकते हो। इन अपॉर्चुनिटीज का फायदा उठाने के लिए जो एक इनेबलिंग माहौल चाहिए वो अभी भारत में आपको कितना लगता है, या वो क्या चीजें हैं जो आप फ्लैग करना चाहेंगे कि वहां काम करने की जरूरत है पॉलिसी मेकर्स को? सो पिछले 30 वर्षों में भारतवर्ष में बहुत काम हुआ है इंप्रूवमेंट का ऑन वर्क एनवायरमेंट, लेकिन अभी भी कई सारी रिस्ट्रिक्शंस हैं जो हमें रोकती हैं। हमें ये चाहिए कि जो हमारा पॉलिसी फ्रेमवर्क है, और टू बी फेयर सरकार उसमें काम बहुत कर रही है लेकिन अभी काम करने वाला है, कंप्लीट नहीं है। पॉलिसी फ्रेमवर्क हमारा सिंपल होना चाहिए जो कि हर आदमी, हर काम करने वाला उसको समझ पाए और अपने काम के ऊपर फोकस करे, न कि सिर्फ हमारे को कंप्लायंस के ऊपर ही सारा जोर लग जाए, क्योंकि बड़ी कंपनी में तो हम बहुत सारे लोग मैनेजर रख लेते हैं जो कंप्लायंस देखते हैं, लेकिन छोटी कंपनी में जो एंटरप्रेन्योर है वो एंटरप्रेन्योर ही सब कुछ करता है, शी और ही आर बर्डन्ड अगर उनको सारा कंप्लायंस के ऊपर समय लग जाए तो काम के ऊपर वो समय नहीं लगा सकते, जो उनके दिमाग में आइडियाज हैं, जो प्लान्स हैं, उनको इंप्लीमेंट करना मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए जरूरी है कि उनके लिए फंडिंग अवेलेबल करना, उनके लिए टैक्स कंप्लायंस बनाना, उनके लिए रेगुलेटरी कंप्लायंस का ऐसा माहौल बने ताकि वो अपने काम के ऊपर फोकस करें, और इन चीजों को 3-4-5 साल के बाद जाकर वो उनको समझने की जरूरत होनी चाहिए। बिल्कुल। चर्चा के आखिरी हिस्से में आपसे मैं 2 सवाल और पूछना चाहता हूं। एक तो बड़ा सिंपल है, दुनिया में सबसे बड़ी साइकिल बनाने वाली कंपनी हीरो ग्रुप रहा है, और 2-व्हीलर में भी पूरी दुनिया आपके लिए फुटप्रिंट पूरे सभी जगह है। सवाल मेरा यह है कि पेंडेमिक ने यह सिखाया कि शहरों को, हमारे ट्रांसपोर्ट को, हमारी मोबिलिटी को रीइमेजिन करने की जरूरत है, और ये बहुत यूटोपियन और अनरियलिस्टिक थॉट लगेगा अगर मैं कहूं कि क्या हिंदुस्तान को इस वक्त सबसे बड़ी प्रायोरिटी इस बात पे नहीं देनी चाहिए कि सारे बड़े शहरों में साइकिल के ट्रैक अलग बनेंगे और सेफ और प्रोटेक्टेड लेन्स आपको देने चाहिए, देखिए हिंदुस्तान कैसे भागेगा। तो पिछले 25 या 30 साल से हम काफी कोशिश कर रहे थे, कई स्टेट गवर्नमेंट के साथ हमने कई बार डिस्कशन किया। दिल्ली के अंदर मुझे खुद याद है, मैंने जो हमारी चीफ मिनिस्टर थी श्रीमती दीक्षित, उनसे मेरी कम से कम 5-7 बारी ये डिस्कशन हुई, अगर दिल्ली के अंदर आप हमारे को सड़कों पे तो नहीं चला सकते, हमारे को पार्क्स दीजिए, हम वहाँ साइकिलिंग शुरू करवाएं। तो बहुत कम जगह पे इस ये सेफ समझा जाता था, लेकिन आपने बहुत अच्छा एक पॉइंट ये रेज किया है। इस समय सारी दुनिया भर के अंदर रियलाइजेशन है कि हमें ईजियर, क्लीनर और मोर वायबल ट्रांसपोर्टेशन की तरफ जाना है, इसलिए साइकिल पॉपुलर दोबारा हो गई है। अगर आप नॉर्दर्न यूरोप के अंदर जाएं तो लोग, आम लोग अपने काम के साइकिल पे ही जाते हैं, जो कारों वाले हैं वो भी साइकिल पे जाते हैं, और ये अमेरिका में भी शुरू हो गया है, कनाडा में भी शुरू हो गया है, और हमें ये इनकरेज करना चाहिए। और जो व्हीकल्स हैं वो सारे एग्जिस्टिंग इंजन से शिफ्ट करके क्लीन एनर्जी की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, और शुरू काम हो भी गया है, लेकिन अब ये देखना है कितनी जल्दी हम कर पाएंगे। इंटरनल कंबस्टन इंजन से हट करके हम क्लीन एनर्जी, चाहे वो हाइड्रोजन फ्यूल सेल है, चाहे वो इलेक्ट्रिकल व्हीकल है, चाहे वो हाइब्रिड्स हैं, और नई नई तरह की टेक्नोलॉजी इस समय आ रही हैं, उस एरिया के अंदर भी
और ये भी एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है भारतवर्ष में नए एंटरप्रेन्योर्स के लिए भी और पुरानी एस्टेब्लिश कंपनियों के लिए भी। हम कैसे आगे चल करके अपने आप को एक लीडिंग पोजीशन दें दुनिया के अंदर एनर्जी में और कार्बन फुटप्रिंट कम करने में और अपना लॉजिस्टिक्स और ट्रांसपोर्टेशन इस तरह का बनाए जो एंड टू एंड अवेलेबल भी हो और क्लीन एनर्जी में अवेलेबल हो। मैं आपको वापस दोबारा ले जाता हूं किताब के अंदर जो स्टोरी लिखी गई है वो इसी के बारे में है कि जो भी आप काम करें आप सोच करके करें कि आप सोसाइटी के जिम्मेदार रिस्पॉन्सिबल सिटीजन भी रहें। तो हम लोग मेरा मानना यह है कि हम लोग काफी फॉर्चुनेट हैं और ब्लेस्ड भी हैं कि हमें अपॉर्चुनिटीज मिली, हमें एजुकेशन मिली, हम कई काम कर पाए। तो बहुत लोग हमारे आसपास ऐसे रहते हैं हिंदुस्तान में, कम से कम 20-25 करोड़ हैं, जिनको अभी भी जो गरीबी में है। तो हम क्या कर सकते हैं क्योंकि हमारे काम चलाते हम उसके अलावा क्या चीज कर सकते हैं एजुकेशन में, हेल्थ केयर में, कल्चर में, आर्ट्स में, जिससे हमारे आसपास सोसाइटी को फायदा भी हो और भारतवर्ष की जो मेकअप है, जो ओवरऑल हमारी डेवलपमेंट है, वो वेल बैलेंस्ड डेवलपमेंट हो और ऐसी डेवलपमेंट हो जो लीडिंग नेशन की होनी चाहिए। बिल्कुल सर, ये मेरा आखिरी सवाल इसी से जुड़ा हुआ होना था जिसका आपने थोड़ा सा टच किया है, वो यही कि बिजनेस का काम है मुनाफा कमाना, लेकिन ये मुनाफा लार्जर सोसाइटल गुड के लिए है। CSR नाम की एक चीज है हिंदुस्तान में, दुनिया में, सभी जगह सब लोग कुछ करते हैं। अगेन पैंडेमिक के बाद फिर एक ब्रेक थ्रू मोमेंट है सारे एंटरप्रेन्योर्स के लिए, एक नया मौका है कि आप ये CSR एक डिपार्टमेंट नहीं है, आपका पूरा बिजनेस रीइमेजिन होना पड़ेगा कि लार्जर सोशल अलायंसेस और कोलैबोरेशन बना के कैसे कर रहे हैं। क्या आपके जो दोस्त लोग हैं इंडस्ट्री के कैप्टन्स, उनमें ये सोच है कि बिजनेस एक कॉरपोरेट कॉन्ग्लोबोरेट की तरह से नहीं चल सकता, इसको रिडिफाइन करना पड़ेगा? बिल्कुल। सो इस समय क्या हो रहा है, बहुत सारी कंपनियां पहले ये आर्ग्यू करती थी कि मेरा काम है केवल बिजनेस चलाना और प्रॉफिट कमाना, अगर मैं वो करूं तो मैं सोसाइटी की सेवा उसके थ्रू मैं ऑलरेडी कर रहा हूं। लेकिन ये अब मानना है कि पिछले 10-15-20 साल में दुनिया भर के अंदर, ये केवल कोविड से नहीं शुरू हुआ, कोविड से ये एक्सेलरेट हो गया, ये दुनिया भर के अंदर जो सोसाइटी का, गवर्नमेंट का और इंडस्ट्री का जो कॉम्पैक्ट है, जो अंडरस्टैंडिंग है, उसमें सबके रोल रीडिफाइन हो रहे हैं। और जो इंडस्ट्री की ट्रिपल बॉटम लाइन लोग देखते हैं कि इंडस्ट्री प्रॉफिटेबल भी हो और लोगों का फायदा भी करे और प्लेनेट का फायदा भी करे, ये आज की नई समझ है कि जो कंपनियां रिस्पॉन्सिबल हैं, जो लीडिंग कंपनियां हैं, वो इस तरफ ऑलरेडी चल गई हैं। लेकिन ये हमें ये भी देखना है कि मिड साइज कंपनी, छोटी कंपनी, हर तरह की बड़ी कंपनी भी इसके बारे में अगर सोचे तो इससे सबका फायदा होगा। लेकिन हमारा जो कोशिश रही है पिछले कुछ सालों की कि हम जबरदस्ती करें कंपनियों को एक डायरेक्शन में करें, वो जबरदस्ती वाला काम मुश्किल होता है, ये वॉलंटरी हमें करना चाहिए। और काफी सारे लोग इस समय इसके बारे में सोच भी रहे हैं और इस डायरेक्शन में बहुत बिजनेस ने जाना भी शुरू कर दिया है। और उम्मीद है कि इससे सबको मल्टीप्लायर, जो इकोनॉमी का जॉब का हो रहा था, इससे मल्टीप्लायर सोसाइटल बेनिफिट का भी साथ में हो। बिल्कुल, आपने और आपके परिवार ने बहुत सारे काम किए हैं और तरह तरह के स्पेसेस में किए हैं। ये आखिरी सवाल पूछे बगैर मैं आपको जाने नहीं दे सकता, वो ये है कि इस वक्त आपका खुद का निजी फोकस और जिसके बारे में आप बहुत पैशनेट हैं, वो कौन सी एक्टिविटी है? मैं तो बहुत सारी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हूँ, हमारे बिजनेस में तो है ही जो काम चल रहे हैं। अगर सवाल उनके अलावा है तो एक एजुकेशन में हमारा बहुत एक्टिव रोल है मेरा इस समय। हमारे पास 30,000 से ऊपर बच्चे हमारे खुद अपने स्कूलों में पढ़ते हैं, हम कॉलेज भी चलाते हैं, बीएड कॉलेज, एमएड कॉलेज, मैं एक अस्पताल और मेडिकल कॉलेज में मैं चेयर कर रहा हूँ, और इसी तरह कई सारे IIM अहमदाबाद में भी, ISB में भी, दून स्कूल में भी। दूसरा जो मेरा इस समय बहुत बड़ा फोकस है वो है ऑन कल्चर और आर्ट्स, क्योंकि हमारी जो इनहेरिटेंस है, वी हैव इनहेरिटेड द रिचेस्ट कल्चर इन द वर्ल्ड, लेकिन हम उसको डिक्लाइन और हम अलाउ कर रहे हैं वो डिक्लाइन भी हो और कई एरियाज में इट इज ऑल्सो डाइंग। तो जरूरी है न केवल उसको हम प्रोटेक्ट करें लेकिन उसको हम रिवाइव करें और उसके ऊपर हम थ्राइव करें, क्योंकि केवल हम इकोनॉमी के ऊपर नहीं चला पाएंगे मुल्क को,
ये जरूरी है, इकोनॉमी तो बढ़ानी चाहिए ही हमारे को, एजुकेशन और हेल्थ के बढ़ाना ही है, लेकिन जो हमारा सॉफ्टर एस्पेक्ट है हमारी सोसाइटी का, कल्चर, आर्ट्स, आर्टिजनल स्किल्स, क्राफ्ट्स, वो एक लोगों की जो खुद पर्सनल डेवलपमेंट होती है उसको इम्प्रूव करता है, इट स्पीक्स टू द हार्ट एंड सोल। और अगर हम हार्ड फैक्ट्स देखें तो वो उसके अंदर 10-15 करोड़ जॉब्स भी क्रिएट हो सकते हैं अगर हम आर्टिजनल स्किल्स और क्राफ्ट्स को कंटेम्पराइज कर पाए। तो हम उसके उसके लिए कोशिश कर रहे हैं। सेरेंडिपिटी आर्ट्स फाउंडेशन हमने बनाई है, वो यही काम करती है आजकल, आर्ट्स फेस्टिवल भी करती है, आर्ट्स इवेंट्स भी करती है, आर्ट्स एजुकेशन भी करती है और आर्ट्स में रिसर्च भी करती है, ताकि लोगों के तक, लोगों तक हम ये मैसेज पहुंचा पाएं। और जो पेट्रनेज है आर्ट्स के अंदर, क्योंकि बगैर पेट्रनेज इस तरह की चीजें चलती नहीं है, रिसर्च, आर्ट, हेल्थ केयर और कल्चर, तो पेट्रनेज को भी हम वापस थोड़ा इंकरेजमेंट करें, क्योंकि एक समय पर पेट्रनेज होती थी पैलेसेस में, राजा महाराजाओं की पेट्रनेज होती थी, फिर मंदिरों में होती थी, फिर पेट्रनेज चली गई सरकार में। अब इस समय जरूरी है कि जो इंडिविजुअल्स हैं, लीडर्स, बिजनेस लीडर्स हैं, वो भी ये जिम्मेवारी अपने हाथ में पकड़े, ये बहुत कर रहे हैं, बिल्कुल लेकर के साथ में चलें। बहुत इंपॉर्टेंट काम है और इस काम के लिए तो आपको बिल्कुल बधाई दी जानी चाहिए, इस किताब के लिए भी, खास करके इसलिए कि आपने हिंदी अनुवाद के बारे में सोच करके इसको प्रकाशित किया, आपको इसके लिए बहुत बधाई, और आपने हमारे लिए वक्त निकाला, इसके लिए बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।